yes, alaikum everyone. this is dr. emma. I'm the chief mentor for fcp's part one program that has been conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. Uh, this specific session has been planned for the february candidates, for those guys who are appearing right now in the february attempt of fcp's part one. since you guys uh, know that the exam will be conducted on 16th of february, inshallah, and most of you have been receiving

करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए पढ़ना किस तरीके से है टाइम कितना होता है इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये बताना है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है रिजल्ट कब आता है और एडमिट कार्ड जो है अगर उसमें कोई इशूज़ है तो वो कैसे रिजोल्व करवाने हैं और इन केस यू हैव रिसीव एडमिट कार्ड तो आपने फिर क्या करना होता है ये वाला जो स्पेसिफिक सेशन है ये सारे के सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्ट आस्क क्वेश्चन होते हैं लोगों के उन पे बेस किया गया है वी पोस्टेड अ फ्यू मंथ्स अगो कि अगर कोई आपको क्वेरीज हैं ठीक है और जो क्वेरीज uh, होती हैं एफसीपीएच पार्ट 1 के कैंडिडेट्स की मोस्टली जो उनकी मिथ्स होती हैं जो उनकी बेसिकली uh, प्रॉब्लम्स uh, होती हैं वो सारी हमने एक जगह पे इकट्ठी की हैं और इस सेशन में वो सारी की सारी एड्रेस की जाएंगी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि

यानी पेपर वन जिसके अंदर हंड्रेड एमसी होंगे दो घंटे उसके लिए होंगे पेपर टू जिसके अंदर हंड्रेड एमसी होंगे दो घंटे उसके लिए होंगे और बीच में थर्टी मिनट्स की ब्रेक होती है ठीक है सो टोटल एग्जाम टाइम इज फोर आवर्स एंड टोटल एमसी क्यूज दैट यू नीड टू थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ठीक है ठीके? आपने सारे के सारे एमसीब्यूट करने ही करने हैं ठीक है थीके? बेशक आप तुक्का मार के आए एक और बहुत कॉमन नोशन और मिथ है ठीक है जो लोग समझते हैं कि शायद पेपर जो है है वो तो सारी स्पेशलिटीज़ का एक ही है, और पेपर वन बेसिक्स पे बेस होता है पेपर टू उस स्पेश रिलेटेड होता है नहीं ये सारी मिथ्स हैं हाँ अगर आप सोचते हो ई एन टी आई के बारे में ठीक है या के बारे में तो ये काफी हद तक सच्ची बात है पेपर टू जो है वो उनकी स्पेशलिटी पे ज्यादा जा रहा होता है लेकिन पेपर वन और पेपर टू में कोई नहीं है जिसके मुताबिक आपने uh, हो पेपर में पूछी जाएगी पेपर टू में नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सब मिक्स आते हैं ये सब मिक्स एंड मैच होके आते हैं कोई स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है एक चीज में आपको बता सकता हूँ कि जो मैं वाउच कर सकता हूँ कि आपकी कोई भी स्पेशलिटी है 100 एमसीक्यूज मिनिमम ऑर्गन सिस्टम से लाजमी आते हैं ठीक है वो चाहे उसकी पैथोलॉजी पूछ ले चाहे फार्माकोलॉजी पूछ ले चाहे उसकी फिजियोलॉजी पूछ ले ठीक है ये चीजें जो डायरेक्टली आप ऑर्गन सिस्टम से पढ़ते हो वो लाजमी ही पूछी जाती है कम से कम 100 एमसीक्यूज ठीक है अच्छा एक और चीज मैं बताता चलूं कि जब एक और जो बहुत पूछा जाता है कि कितने एमसी जो हैं वो ठीक करेंगे तो हम क्लियर कर सकते हैं अब इसमें दो जो हैं हैं। ना schools of thought है। एक school of thought कहता है है, है, कि 75% आपने क्लियर मार्क्स यानी कि आउट ऑफ टोटल हंड्रेड करेक्टली ठीक है हंड्रेड एंड फिफ्टी अगर आप आंसर सही कर रहे हो तो यू विल पास एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि कोई परसेंटाइल सिस्टम है सीपीएसटी का जिसकी बेस पे पास या फेल होते हैं तो वो सेवेंटी फाइव परसेंटाइल है परसेंट नहीं है लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आप मेक श्योर sure करें कि जॉन साहब एम कर रहे हैं ठीक है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके सही तरीके से करें ठीक है, फिर आपके चाहे 160 ठीक हो रहे 140 हो 140 ठीक हो रही हो ठीक है आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने जो जो है, है, ठीक उनको उनको सही तरीके से follow करें, उनको answer करें and leave the rest to Allah. खुद जो करते हैं वो यानी कि इफ यू आर स्कोरिंग हंड्रेड एंड फिफ्टी आउट ऑफ टू हंड्रेड एमसीक्यूज करेक्टली एग्जाम ठीक हो गया अच्छा एक और बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट का मसला तो नहीं होता टाइम मैनेजमेंट का कोई मसला नहीं होता एमसीक्यूज के दो पार्ट होते मैनेजमेंट हो का मसला इसलिए भी नहीं होता कि अगर आपके पास दो घंटे हैं यानी कि हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिनट है फॉर हंड्रेड एम सी क्यूज ठीक है तो इसमें आपको ये पता है कि आपके पास एम्पल टाइम है मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं दे फिनिश देयर पेपर इन अबाउट वन और थर्टी मिनट्स वन और फोर्टी मिनट्स तो बीस मिनट बच जाते हैं क्योंकि तो स्टेम छोटी होती है और टू द पॉइंट ऑप्शन होती है तो आपने ठीक है इसी माइंडसेट से जाना है कि आपके सामने जो एमसीक्यू आए आपने उसको पूरा टाइम दे दे क्योंकि तो एमसीक्यूज में या वो आपको आते होंगे स्पॉट ऑन ठीक है या आपको बहुत कम होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा

तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि जो आप टाइम बचाएंगे वो पेपर टू में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ठीक है उसके लिए आपको उतना ही टाइम मिलना है और जल्दी आपने वहां से निकल के भी कुछ नहीं होना क्योंकि पेपर टू भी आपके टाइम पे स्टार्ट होना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ एम के दो पार्ट होते हैं आपको बताए है। एक होती है स्टेम ठीक है नीचे आ जाती है ऑप्शन ऑप्शन सी में चार से पांच ऑप्शन होती है ठीक है मिनिमम फोर ऑप्शन कभी कभी फाइव होती है ए बी सी डी ई ठीक है अब एमसीक्यूज में जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है करना किस तरीके से अटैप्ट ठीक है ये जो पार्ट है ना इस लेक्चर की कोर है अगर आपको ये चीज समझ लग गई है तो मैं आपको गारंटीड बात कहता हूँ पास होने के चांसेस जो हैं दे विल नॉच अप ठीक है jump, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपने जो स्टेटमेंट्स है ना एमसीक्यूज की उसको कम अज कम दो दफा है अगर आपको समझ में लग गई है ना पहली दफा कुछ नहीं होता आपने दूसरी दफा उसको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है ताकि आपको क्लैरिटी इस्तेमाल कर स्लाइट चेंज इन द द स्टेटमेंट कैन चेंज आंसर कंप्लीटली दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने हर एम सी क्यू को एम्पल टाइम देना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ फोकस करके जो है ना वो आंसर देने हैं ठीक है वॉन्डर ऑफ नहीं करना तीसरी चीज क्या है कि आपने एमसीक्यू के स्टेम के अंदर जो तीन चीजें देखनी है कि वो तो नहीं है कहीं एक्सेप्ट फॉल्स नॉट ट्रू ठीक है ये तीन चीजें इन तीन चीजों की वजह से ऑप्शन एंटायरली फर्क चूज हो सकती है जो कि ठीक होगी तो इसीलिए लुक फॉर द थिंग्स दैट आर रिटन इन द स्टेम फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट फॉल्स और नॉट ट्रू एक और चीज है कि अगर आपका सिनेरियो स्टेम जो है वो लंबी है ठीक है बहुत लंबी स्टेम है ठीक है तीन चार लाइनों की है तो उसको अटैम्प्ट करने का तरीकेकार क्या होना चाहिए मेरे नज़दीक अगर कोई लॉन्ग सिनेरियो है तो उसको अटैम्प्ट करने का तरीकाकार होना चाहिए कि फर्स्ट रीड द एंड पार्ट ऑफ द स्टेम ताकि आपको पता लग जाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है देन रीड थ्रू द ऑप्शन एंड पहले एंड पढ़ेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि उसने पूछना क्या चाहे और आपने किसमें से सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब आप पूरा सिनारियो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने उसमें क्या चीज ढूंढनी है ठीक है अगर लंबा सीनारियो है तो लुक फॉर द एंड ऑफ द दे स्टेम दो ऑप्शन एंडर पार्ट ऑफ द स्टेम ठीक है एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज 80% ऑफ द टाइम्स करेक्ट अगर आपको लग रहा है ना कि अच्छा ये यही एमसीक्यू का ये आंसर आ गया ठीक है, है 80% ऑफ टाइम्स ठीक है वो ठीक होगा लेकिन आपने जिस चीज का ख्याल रखना है जिस चीज को ज़हन में रखना है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि ए ऑप्शन ठीक है तो आपने बी सी डी पढ़नी है बिकॉज दैट इज बींग्रॉम यू इज दू नीड टू चूज दूट क्वेश्चन आपने करेक्ट नहीं चूज करना होता यू नीड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर ठीक है इसीलिए जब आप तैयारी भी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एमसी जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस चीज को किसमें प्रेफर करना है ठीक है उधर भी ऐसे ही है कि अगर आपको एक चीज ठीक लग रही है आपने बाकी ऑप्शन भी पढ़नी है कहीं ये ज्यादा क़रीब तो नहीं है ये ज्यादा बेहतर तो नहीं है चूज करनी जैसे कि एक बहुत ही मशहूर जो है वो अः एम सी क्यू है कि एक आ, वर्कर था ठीक है उसको पसीना आ रहा था उसने पानी पी लिया तो पानी पिया है कंज्यूम किया है तो उसके बाद क्या चीज जो है वो बढ़ेगी उसमें आई सी एफ ऑस्मोलैरिटी भी आती है ई सी एफ ऑसमोलैरिटी भी आती है ठीक है आईसीएफ वॉल्यूम भी आता है ई सी एफ वॉल्यूम भी आता है और इसकी मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी बुक्स में भी है मैं बार बार ग्रुप से भी बता रहा होता हूँ ठीक है उसमें जोन सी चीज पहले हो रही है यू विल प्रेफर दैट ठीक है इसी लिहाज से आपने अगर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन ठीक है तो यू वॉन्ट स्टिक टू दैट ऑप्शन ओनली यू विल गो थ्रू द अदर ऑप्शन इट इज अ मस्ट एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने ठीक है बहुत ज्यादा से ऑप्शन से और स्टेम पढ़नी है और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो लोग मेजॉरिटी गलत करते हैं एंड द एंड फेलिंग दिस एग्ज़ाम वो क्या है वो ये है कि आपने मल्टीपल किताबें पढ़ी होंगी इवन हमारी एफ सी पी एस पढ़ी हो फिर भी मैं आपको यही कहूंगा डू नॉट बो लग रहा है कि अच्छा ये वाली मैंने एफ सी पी एस मेड गोल्ड रिकॉल्स इलेवन में ये चीज पढ़ी थी शायद यही उठ के आई हुई है शायद पे नहीं जाना आपने अगर आपको लग भी रहे हाँ वही होगी फिर भी आपने पूरा पूरा पढ़ना है क्योंकि सी पी एस पी जो है ना वो बहुत टेक्निकली जस्ट शफल द ऑप्शन और दे जस्ट चेंज द ऑप्शन ठीक है and they just change the तो आपने रूट लर्निंग एक हद तक जाना है रूट लर्निंग पे एक हद तक आपने रिकॉल्स पे जाना है उन रिकॉल से जो आपने कॉन्सेप्ट इकट्ठा किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ठीक है ऑन इन ड्यूरिंग द एग्जाम ठीक है इसीलिए आपने अगर आपको लग भी रहे ना कि अच्छा यार ये मैंने फलानी किताब में पढ़ा था एग्जैक्ट यही उठ के आ गया है तो इसको मैं करके आगे जाता हूँ नहीं करने के पढ़ना उसको जरूर है ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके सामने एक एमसीक्यू आता है तो आपने अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है ना ठीक है तो आपने उसको जब जारी बात है से पढ़ेंगे तो आपने उससे पैनिक नहीं करना ठीक है एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूँ कि सीपीएसपी के ना कुछ टॉपिक्स होते हैं एट्टी ऑफ टाइम्स उन्हीं टॉपिक्स के इर्द घूम रहा होता है सी पी एस पी फॉर एग्जाम्पल कार्डिक साइकिल के फेजेज आ गए फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है वाइटमिन आ गई फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आ गई सरफेक्टेंट वाली चीज़ें आ गई ठीक है फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट की लेंथ For example, की आ गई फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बॉडी की लॉजमेंट आ गई ठीक है इन द लंग्स इस तरह की चीज़ें तो वो जो आपके टॉपिक्स है ना उनसे बहुत रेयरली जो है ना सी पी एस पी साइड पर जाता है अब जब आपको पता है कि वो वाले टॉपिक तो अगर एक आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज आती है बहुत ही अजीब सी जो आपने कभी सुनी ही नहीं है ठीक है तो देयर इज अ वेरी रेयर चांस ठीक है कि जो है ना वो ऐसी चीज आए जो कि नहीं हो जो कि मुश्किल हो जो कि अजीबो गरीब हो

अच्छा एक और चीज होती है कि यू शुड नो हाउ टू रूल आउट द ऑप्शंस एक मिनट प्लीज अच्छा यू शुड नो हाउ टू रूल आउट द ऑप्शंस ठीक है यानी कि अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसी हैं फॉर एग्जांपल एक चीज आती है कि फ्लाना ड्रग जो है वो एसिडिफाई कर रहा है यूरिन को और एक चीज आती है कि फ्लाना ड्रग पीएच कम कर रहा है यूरिन की तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल एक चीज है इसमें कोई फर्क नहीं है अब क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है दो ऑप्शंस ठीक तो नहीं ना हो सकती तो ये दोनों ऑप्शन गलत है तो यू शुड नो हाउ टू रूल आउट द ऑप्शन ठीक है दोबारा से स्टेटमेंट दो दफा पढ़नी

चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नॉट द करेक्ट वन ठीक है साथ ही साथ आपने जो पहले हुई है, recalls है, different books में बैंक नहीं करना, उनके ऊपर आपको पता जरूर हो कि हाँ ये आया हुआ था अब क्या ये वही है वो आपने उधर बैठ के डिसाइफर करना है वो वहां पर बैठ के आपने उसको डिसाइड करना है कि क्या ये वही है लेकिन आप सिर्फ इस आ, थिंकिंग से नहीं जा सकते कि एग्जैक्ट वही उठ के आ जाएगा बिकॉज चेंजेस चेंजेस द ठीक है एक और चीज ये है कि अगर आपका पेपर पीछे से अच्छा नहीं हो रहा ठीक है फिर भी आपने घबराना नहीं बिकॉज यू नीड टू चूज हंड्रेड एंड फिफ्टी एम सी क्यूज करेक्टली क्योंकि हंड्रेड एंड फिफ्टी एम सी क्यूज ठीक करने हैं तो यू हैव अ मार्जिन ऑफ फिफ्टी एमसी क्यूज एटलीस्ट ये जो 50 एमसी का मार्जिन है ये इसीलिए है कि आप क्लियर कर सके इसको इस तरीके से सोचे तो अगर पीछे से फर्ज करें आपको पेपर अच्छा नहीं हो रहा ठीक है दस गलत कर दिए या ट्वेंटी गलत कर दी है तो फिर भी आपके पास थर्टी एमसी का मार्जिन है जो आपने अगले एक में गलत कर लिया है ठीक है तो कहने का मकसद है कि घबराना नहीं है हर एमसीक्यू को नए एमसीक्यू की तरह ट्रीट करना है और अल्लाह ताला की भरोसा रखते हुए अपनी तैयारी और जो है ना आपकी अपनी सारी की सारी हार्डवर्क उस पर आपने भरोसा रखते हुए अटैम्प्ट करने हैं एमसीक्यू ये बिल्कुल नहीं करना कि अच्छा अगर पीछे से पेपर अच्छा नहीं हो रहा तो आगे भी आप उसी के प्रेशर में खराब करते जाएं जाए ठीक है ये तो थी सारी की सारी एम सी क्यू टेक्निक्स ठीक है आप आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है वो ये है कि व्हाट यू नीड टू टेक टू द एग्जाम सेंटर ठीक है ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है और आपने लेके क्या क्या जाना है एडमिट कार्ड लेके जाने आईडी कार्ड लेके जाने ठीक है अब आजकल सी पी एस पी ने नया रूल लॉन्च किया है कोविड की वजह से यू विल हैव टू टेक अ बॉटल ऑफ सैनिटाइजर विद यू योर ओन वाटर बॉटल ठीक है और साथ ही साथ जो है ना मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा पैनाडोल जरूर लेके जाए जिन लोगों ने हमारे साथ कोर्स ज्वाइन किया है उनका तो जहरी बात है स्क्रीन टाइम स्टेमिना बढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने सारे लेक्चर्स कंप्यूटर पे देखे हैं उन्होंने पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल किया है टेलीग्राम पे डिस्कशंस किए हैं हमारे साथ तो उनका स्क्रीन टाइम स्टेमिना तो बड़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन पीरियड भी बड़ा होगा लेकिन पैनाडोल साथ इसलिए लेके जानी है mostly, uh, not, uh, to, uh, hours, उसकी वजह से हेडेक शुरू हो जाती है और uh, साथ ही साथ इतनी देर बैठने की वजह से बैक एक भी शुरू हो सकती है ठीक है इसीलिए पेनाडॉल लेके जाएं और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले पैनाडॉल ले लें ठीक है ताकि अगर दर्द शुरू होनी भी हो तो उधर ही खत्म हो जाए अब एग्जाम से अब मैं आपको बताने कि एग्जाम से पहले एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद आपने किस किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है ठीक है यह भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफ सी पार्ट वन का ठीक है क्योंकि अगर आपकी ये वाली चीजें आपको पता है ना ठीक है कि आपने किस तरीके से अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है तो व्हाट आई कैन गारंटी इसके बाप बह, बहुत बहुत आराम से जो है ना वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं सारी ये बात ही जो है ना वो नर्व्स की है जितने स्ट्रांगली आप जो है ना वो इश्यूज को हेड ऑन फेस कर लेंगे जितने अच्छे तरीके से आप जो है वो इन चीज़ों को डिसाइफर कर करके सही तरीके से अपने लिए मैनेज कर लेंगे उतने आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो एग्जाम से पहले यू शुड नो कि आपका जो सेंटर है एग्जाम का वो कहां पे बना हुआ है आपके कम्यूट का टाइम कितना है जहां से आपने जाना है आपके घर से जाना है आपने तो कितना टाइम लगता है सेंटर तक पहुंचने में ठीक है आपने अगर फर्ज करने के, के आपको पता लगे फलानी जगह पे सेंटर है ठीक है आपने जाना है वहां पे आज कल में चले जाए ठीक है देखें कितना टाइम लगता है अगर आप पहले नहीं गए हुए वहां ठीक है ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि कितना टाइम लगता है और आपने जाने से पहले अगर आपका कल एग्जाम है तो कम से कम रात को सात से आठ घंटे नींद पूरी करके जानी है इफ यू आर नॉट इफ यू आर बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप तो बहुत सी चीजें जो है वो आपको जो आप मिस कर रहे होगे अपने रियल एग्जाम में क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके कोर नॉलेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता सिर्फ और सिर्फ आपकी उन किताबों वाले नॉलेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता जो आपने पिछले तीन महीने में पढ़ी है या चार महीने में पढ़ी है आपका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत काउंट कर रहा होता है ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आपको याद आ रही होती हैं उस टाइम पे जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ी होती है एमबीबीएस बी में ठीक है तो आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो तब ही काम आएगा वो तभी आप सोच सकते हो तभी आपके जेन में आएंगी चीजें अगर आप फ्रेश हो अगर आप एट पीस हो और आप एट पीस और फ्रेश तब ही होगे अगर आपकी नींद कम से कम सात से आठ घंटे पूरी है एग्जाम से एक दिन पहले रात को तीन चार घंटे जाग के पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ना बिलीव नहीं। जितना फर्क आपको इस चीज से पड़ेगा कि आप अपनी नींद पूरी करके और सुकून से जा रहे हैं ठीक है सो स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम जब आप उठें तो दो नफल हाजत के पढ़ें और फिर आप एग्जाम के लिए जाए ठीक है एग्जाम सेंटर पे पहुँच के कुछ डिस्कस ना करें सिर्फ अगर जाना है बातें करनी है आपके दोस्त हैं वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ हालचाल पूछें और अपने जो हंसी मजाक की बातें होती हैं वो करें एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इट इज एग्जाम जिसमें आपकी नीयत साफ है अगर आपने मेहनत सही तरीके से की हुई है और आपके लिए बेहतरीन टाइम है कि आपका वो एग्जाम उस टाइम पर क्लियर होना चाहिए तो बिलीव नहीं अगर अल्लाह त मर्जी हो तो आपका वो एग्जाम कहीं नहीं जाता आप आराम से क्लियर कर जाएंगे लेकिन अगर आपके लिए वो टाइम ही बेहतरीन नहीं है कि वो क्लियर होना है ठीक है तो अल्लाह ताला ने तो आपको बेहतरीन चीज़ देनी है आप अब आप, आप समझते हो कि आपके लिए अच्छा है कि अगर अभी क्लियर हो जाता है लेकिन अगर आपके लिए वो बेहतरीन नहीं है तो आपका वो क्लियर नहीं होता तो फिर भी कोई डिसहार्टेंट होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रहने देनी ठीक है उधर पहुंच के कुछ डिस्कस नहीं करना कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप आराम से वेटिंग रूम में बैठे हैं पेपर वन से पहले पैनाडॉल ले लें वॉशरूम यूज कर लें क्योंकि वंस पेपर वन स्टार्ट तो आप फिर वॉशरूम नहीं यूज कर सकते ठीक है, है ब्रेक में ही कर सकते हैं जो पेपर वन और पेपर टू के बीच में आएगी ठीक है और फिर आप पेपर वन देने चले जाए अब ड्यूरिंग द एग्जाम ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता होती और दे आर एक्चुअली कंफ्यूज अबाउट दिस वो क्या है कि आपका एग्जाम शुरू हुआ है आपके सामने एमसीक्यू आया पहला आपके बस दो होंगी उसकी या तो आप उसको अटेम्प्ट कर दो और सबमिट कर दो या फिर आप उसको स्किप कर दो अगर आपने उसको अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिया तो वो एमसीक्यू दोबारा नहीं आएगा आपके सामने वो एमसीक्यू दोबारा आएगा ही नहीं ठीक है

तो उसमें सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज आएंगे जो आपने स्किप किए हुए हैं जो आपने अटेम्प्ट कर दिए थे वो नहीं आएंगे तो कहने का मकसद ये है कि एक दफा ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर ठीक है और वंस यू द एमसीक्यूज इट विल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझ लें एक दफा कि अगर आपने एम को स्किप किया तो वो सेकेंड राउंड में आएगा और फर्स्ट राउंड में अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो सेकेंड राउंड में नहीं आएगा इट विल डिस और सेकेंड राउंड में भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सेकेंड राउंड में आपने वो अटेम्प्ट करना ही करना है एमसी ठीक है तो ये नहायत निहायत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज समझ लग गई है अगर समझ लग गई है तो यस लिख दे प्लीज फिर मैं आगे चलता हूं ठीक है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं तो इसलिए जौनसी चीज आपने अटेम्प्ट कर ली है ठीक है so no जब आपने एक चीज ही कर दी सबमिट कर दिया अपना रिस्पॉन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसका अफेक्ट आपके अगले एम सी क्यूज में नहीं आना चाहिए कहने का मकसद ये है अगले एमसीक्यूज को आपने उसी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ के जो मैंने आपको तरीकेकार बताया है उसको फॉलो करते हुए ठीक है अच्छा अब मैंने आपको बताया कि पेपर वन दो घंटे के पेपर टू दो घंटे के बीच में आधे घंटे की ब्रेक है ठीक है अब पेपर वन अगर फर्ज करें कि आप फोर्टी मिनट्स में खत्म कर लेते हो तो आप हॉल से बाहर नहीं निकल सकते वो आपको निकलने ही नहीं देंगे कम से कम एक घंटा पेपर वन में हो जाना चाहिए तो फिर आप हॉल लीव कर सकते हो लेकिन अगर आप जल्दी कर लेते हो तो टाइम बचाने का भी कोई फायदा नहीं है लिटरली जीरो एडवांटेज है क्योंकि ना वो टाइम आपका अप होना है पेपर टू में और पेपर टू शुरू भी अपने टाइम पे ही होना है तो आपको वो आधे घंटे के बजाय अगर आप घंटा बचा रहे थे तो डेढ़ घंटा वेट ही करना पड़ेगा पेपर टू ने अपने टाइम पे शुरू होना है तो आपने टाइम बचा के क्या करना है इसीलिए हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम ड्यू टाइम उसका दें जितना उसका रिक्वायर्ड है उसमें थिंकिंग उतनी उसमें उतना सोचें उसे ठीक है उतने ही अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट करें टाइम बचाने की जल्दी ना करें ना एम जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि टाइम भी एम्पल होता है MCQs भी टू पॉइंट होते हैं ज्यादातर फैक्चुअल होते हैं ठीक है और आप बहुत इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप सिर्फ फोकस्ड रहो और बिलीव कर रहे हो कि आपने तैयारी अच्छी की हुई है और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो ठीक है अब पेपर टू जब शुरू होता है तो वही वाली बात है कि पेपर टू ने जब शुरू होना है तो दो घंटे होंगे आपके पास अब क्योंकि दो घंटे हैं एक मिनट प्लीज अब पेपर टू में क्योंकि आपके पास दो घंटे हैं, ठीक है तो उसमें भी जब तक आपका एक घंटा पूरा नहीं हो जाता तब तक यू कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल ठीक है तो कहने का मकसद वही है कि अच्छे तरीके से हर एम को उसका वो वाला ड्यू टाइम दें जो उसको रिक्वायर्ड है जो पेपर वन और पेपर टू के बीच में गैप है आई वु रिकमेंड टू यूज द रेस्ट रूम इन दैट पीरियड टू ठीक है पेपर तो फिर क्या करना है टेंशन नहीं लेनी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सुकून से इंजॉय करें और फिर वापिस आके ठीक है अगर आप रिकॉल सोच सकते हैं तो पोस्ट कर दें नहीं सोच सकते दिल नहीं चाह रहा बेशक डिस्कस ना करें दैट इज नॉट एन ऑब्लिकेशन लेकिन प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है और एक और चीज लोग पूछते हैं जब वो पेपर दे के आते हैं कि अहमद भाई ये जो आपने जो की बनाई थी उसमें मेरे वन एट्टी ठीक थे ठीक है पता नहीं मैं फेल क्यों हो गया उसकी रीजन ये है कि रिकॉल्स जो हैं वो बेस्ड होती हैं आपकी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी पे एक बंदा आता है वो एग्जाम दे के आता है वो बता दें अच्छा मुझे ये एम सी क्यू आया था अब आप तो बिलीव करोगे ऑब्वियसली ना मैं बैठा हुआ था ना बाकी ऑथर्स बैठे हुए थे उसके पेपर में तो हमें तो जो कैंडिडेट्स ने बताने हमने उसको बिलीव कर लेना है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वहां ही आती है कि आपने उस टाइम पे इसलिए मैं कहता हूं कि रिकॉल जो पुरानी भी है उन पे आपने बैंक नहीं करना आपने हर एमसीक्यू को ट्रीट एवरी एमसीक्यू एज अ न्यू एमसीक्यू ट्रीट एवरी एमसीक्यू एज न्यू एमसीक्यू मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आप जब ये सोचते हो ना कि अच्छा ये वही वाला एमसीक्यू है वैसे ही आया है बगैर देखे आप आंसर कर देते हो और बहुत से लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं कि जो अपनी तरफ से नाइनटी परसेंट पेपर ठीक करके आ रहे होते हैं और वो फेल होते हैं उसकी रीजन ये है वो समझते हैं, हैं, हैं फलानी बुक में पढ़ा हुआ है ऐसे ही आ गया होगा ठीक है वो ठीक करके आ जाते हैं और वो डैम श्योर होते हैं कि यही आंसर है लेकिन वो गलत होता है क्योंकि सी पी एस पी चेंजेस दिस टाइम सी पी एस पी चेंजेस द ऑप्शन सो कीप यप योर माइंड क्लियर अबाउट दिस ठीक है अगर आप सही तरीके से एमसीक्यूज नहीं पढ़ेंगे बिलीव मी यू विल बी इन अ लॉट ऑफ मेस ठीक है तो एग्जाम के बाद मैंने आपको बताया है कि सुकून करना है टेंशन नहीं लेनी ठीक है और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एंड तक अल्लाह ताला की जात से दुआ करते रहना है ठीक है जो आपके लिए बेहतरीन होगा आपको वो मिल जाएगा अच्छा एक और चीज एक और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि जब आपके सामने आता है पेपर एक एमसी क्यू आपके सामने करें और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अब जैसे एक एंडो सी क्यू आया था और उसमें बहुत ही करीबी ऑप्शन थी ठीक है ए डी एच का था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी भी लिखी हुई थी और यूरिन ऑसमोलैरिटी भी लिखी हुई थी ट फॉर यूरिनिटी और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफली वो ठीक था क्योंकि पहले एडीएच यूरिनिटी को कर रहा है फिर वो सीरमोसमलैरिटी को कर रहा है तो कहने का मकसद ये है कि आपने ऑप्शन सारी पढ़नी है ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप समझते हैं ना कि अच्छा ये ऑप्शन ठीक है अगली में नहीं पढ़ता ठीक वो यही वाली ठीक होगी जो मैंने चूज किया नहीं देट इज नॉट द वे दैट इज नॉट द वे ठीक है आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोकस करना है ऑप्शन पे स्टेम पे एंड यू मेक इट थ्रू इनशा इनशा अच्छा एक और चीज एक मिनट जरा जिन्हें और कोई मेजर चीजे तो मैं पहले वो बता दू हाँ, एक ये पूछा जाता है कि अहमद भाई पेपर वन और पेपर टू कलेक्टिवली पास इकट्ठे कर पास करने होते हैं यू नीड टू गेट कलेक्टिवली ठीक है मतलब अगर आपका एक में 85 है और एक में सेवेंटी परसेंट है और कलेक्टिवलीवेंटी सेवन परसेंट बन रहा है तो आप पास हो ठीक है थीके? एक और पूछते हैं कि अहमद भाई रिजल्ट कब तक आता है रिजल्ट जो है ना वो मोस्टली आ जाता है सेवन डेज के अंदर ठीक है मतलब कि अगर सिक्सटींथ को पेपर है 16, 17, 18, तीन दिन पेपर होगा मेरे ख्याल से तो एक्सपेक्टेड जो है ना वो ट्वेंटी फिफ्थ तक ट्वेंटी फिफ्थ फेब्री के जो तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा हाँ एडमिट कार्ड का पूछते हैं जिन लोगों को एडमिट कार्ड अभी नहीं रिसीव हुआ ना उनसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपना पोर्टल खोलें जैसे ये लाइव सेशन एंड होता है और एक दफा जो है ना ऑब्जेक्शन वाला पार्ट जरूर देख हो सकता है कि कोई पी ने आप पे ऑब्जेक्शन ना लगाई हो तसली तो करनी अच्छी होती है इस टाइम पे ताकि एंड पे पैनिक ना हो रहा हो ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्शन लगी है उसको अभी आप जो है ना वो आ, क्या कहते हैं एड्रेस करें ताकि आपके एडमिट कार्ड आने में इशू ना हो और बाय द वे एडमिट कार्ड रिसीव होने शुरू हो गए हैं ठीक है तो अगर आपको खुदा ना खास्ता एडमिट कार्ड जो है वो नहीं मिलता ठीक है अभी नहीं मिलता ठीक है तो कुछ एंड एंड पे मिल जाएगा ठीक है अगर एंड एंड पे भी नहीं मिलता तो फिर आपको रोल नंबर स्लिप आ जाती है इन द ईमेल ठीक है आप उसको प्रिंट करवा के ले जाओ तो इट विल सर्व एज एन एडमिट कार्ड ठीक है अगर आपको वहां पे भी नहीं आती तो आप सीपीएस को ईमेल करो कि वो आपको बताएं कि आपका कब है ठीक है अगर फर्ज करें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो आपको सी पी एस पी पास फलानी डेट को फलानी टाइम पे पेपर है आप उस टाइम पे पहुंच जाओ अपने आईडी कार्ड और पीएमडीसी के साथ तो फिर भी वो आपको बैठने ले देते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है ये वो वाला टाइम है कि अपना पोर्टल लाजमी चेक करें इफ यू आर नॉट चेकिंग योर पोर्टल राइट नाउ एंड देर इज एनी ऑब्जेक्शन तो वो सी की नहीं होगी वो आपकी गलती होगी क्योंकि आपने टाइमली नोट नहीं किया उस चीज को जरूरी नहीं है कि आपको ई ही आएगी ऑब्जेक्शन की ठीक है एक क्वेश्चन और है कि डू वी गेट अ पेन एंड अ पेपर फॉर रफ वर्क लाइक एंड नहीं यू गेट एनी पेपर यू वॉन्ट गेट एनी पेन आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड अंदर लेके जा सकते हैं मोबाइल वगैरह भी आपको या तो बाहर सबमिट करवा के जाना पड़ता है या फिर अपनी गाड़ी में रख के जाना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर होते हैं ऑन द लैपटॉप स्क्रीन पे ही अगर आपका लैपटॉप किसी टाइम पे स्टक हो जाता है अड़ जाता है क्रैश हो जाता है तब भी आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है आपने अपना सिर्फ हैंड रेस करना है एंड आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम सी पी एस पी प्रोटर एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल इस मामले में ठीक है वो आपको गाइड करेंगे जैसे वो कहते हैं एग्जैक्ट वैसे फॉलो कर लें और खुदा ना खास्ता अगर कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है ना फिर भी घबराने वाली बात नहीं होती क्योंकि द एग्जाम इज ऑटोमेटिकली बींग सेव्ड

फॉर दोज टू जॉइन फॉर द मई अटैम्प्ट ठीक है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ ऑफ फेब्रवरी उसकी डिटेल्स भी हमें दी हुई है अब अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो यू कैन रेस यूर हैंड एंड आई कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह ताला की जात पे पूरा भरोसा करते हुए एग्जाम देने जाना है मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने जब एग्जाम में पेयर हुआ था तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा क्लियर ना हो ठीक है लेकिन अल्लाह का शुक्र है अलहद ला, ला, ला एग्जाम क्लियर हो गया सो लक बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है अल्लाह ताला की मदद सारी बात है आपकी लक भी उसके साथ देती है जब अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो नियत साफ रखें इंशाल्लाह एग्जाम क्लियर होने वाला है अगर हमारा हो सकता है तो आप लोगों का भी हो सकता है कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा एक और क्वेश्चन आया है कि जी बुक्स कौन सी पढ़नी है एंड पे हमने एंड पे आपने अभी ये वो वो वाला टाइम नहीं है कि आपने बुक्स चेंज करनी है जोनसी आप पढ़ रहे हो वही पढ़नी है इस टाइम पे ना मैं कोई बुक रेकमेंड करूंगा ना मैं इस टाइम पे कहूंगा कि जी ये फलानी बुक ले ले ये फलानी बुक ले ले नहीं इस टाइम पे जोनसी बुक आपने अभी तक पढ़ी है उसको रिवाइज करें एक और क्वेश्चन है सो फॉर द एमसीक्यूज विथ सिमिलर ऑप्शंस वी शुड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैपेंस जो पहले होती है वो पहले चूज करेगा

चारेपर ठीक है मॉक में और उसमें सीपीएसपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट आर टेक्निकल सपोर्ट टीम मेड एग्जाम एक्सपर्ट पाकिस्तान ठीक है ये मैंने शेयर कर दिया है नंबर ठीक है एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मॉक टेस्ट जी चॉकलेट और जूस आपने आके रशीद लाजमी लेके जाने हैं अगर नहीं मतलब वैसे होते हैं वहां पे तो बेहतर ले जाएं वैसे अगर फील्ड डिसाइड ना हुई हो तो फिर भी मैं वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जी यू कैन ज्वाइन द मे कोर्स जेनेरिक प्रिपरेशन में आपको डाल देंगे ठीक है सो यू गाइस कैन वॉट डॉक्यूमेंट्स वी नीड फॉर द फॉर्म

चलें ठीक है फिर लेट्स एंड द सेशन एग्जैक्टली वही वाला मॉक है जो कोर्स में इंक्लूडेड है वही वाला मॉक है लेकिन एक पेपर उसमें दो पेपर एक्स्ट्रा भी हैं जो सब्सक्राइब करते वो लेते जी जी आप ना ऐसा करें कि आप अनम्यूट करें अपने आप को मुझे पढ़ना मुश्किल हो रहा है शन विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी मेड ऑन द मेड एक्सपर्ट पाकिस्तान पेज ऑन स्टडी मेड फेसबुक पेज तीनों जगह पे अवेलेबल होगा कलेक्टिव नंबर सेवेंटी फाइव परसेंट एक्सैक्टली कलेक्टिवलीवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स आपने लेने होते हैं, के वन फिफ्टी एमसीक्यू आउट ऑफ टू हंड्रेड ठीक करने होते हैं

इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम जजाक अल्लाह उल खैर अल्लाह हाफिज इन द